हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज का हमारा व्लॉग होने वाला है कि मिट्ठू को किस तरीके से खाना खिलाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिट्ठू को किस तरीके से खाना खिलाना है, पैरेट को किस तरीके से खाना खिलाना है, बेबी पैरेट को किस तरीके से खाना खिलाना है। तो आज का हमारा व्लॉग शुरू होता है यहीं से। तो आराम से वीडियो को देखना और एक एक पॉइंट नोट कर लेना कि एक बेबी पैरेट के बच्चे को कैसे खाना खिलाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें एक पेस्ट रखा हुआ है। तो ये जो पेस्ट है ना, ये जो मेरे पास पेस्ट है, ये चने की दाल का पेस्ट है। ये जो पेस्ट है, ये कल का पेस्ट है जो मैंने कल शाम को बनाया था। लेकिन मैं इस पेस्ट को बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि क्या है, अब शाम का पेस्ट रखा हुआ है, इसमें क्या है, महक हो जाती है दाल में, क्योंकि दाल भीगी हुई है, पेस्ट बना रखा है। तो इसके लिए मैंने एक नया पेस्ट तैयार किया है, जो कि अभी अभी सुबह मैं इसे तैयार करके लाया हूँ। और ये इससे कहीं ज़्यादा पतला भी है। देखो, ये पेस्ट मैंने तैयार किया, इस पेस्ट को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसमें है हमारा मिट्ठू, जो कि भूखा है। ये रहा मिट्ठू बेटू, ये इसने कपड़ा वपड़ा लपेट रखा, खास तो पैर पे। देखो यार, अबे क्या पैर पे कपड़ा वपड़ा लपेट घूम रहा है बे गधे, हमारे भी हाथ पैर समाता है। कोई बात नहीं, चलो मिट्ठू, आपको भूख लगी है, दिखाओ अपना पेट, चेक कराओ। मिट्टू के पेट में कुछ भी नहीं है, देखो मिट्टू भूखा है, मिट्टू के पेट में कुछ भी नहीं है। मिट्टू क्या खाओगे, खाना खाओगे, खाना खाओगे, मिट्टू खाना खाएगा, मिट्टू खाना खाएगा, आ जाओ। तो आओ आओ, अभी ये बच्चा है तो डरता है ना, इसलिए इसको उठा के रखना पड़ता है। तो मैं इसका ये घर बंद कर देता हूँ, जिससे कि इसमें गर्माई बनी रहे। और मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैंने यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है और ये तार गया हुआ है। अगर आप कोई भी छोटा बेबी लेके आते हो तो ये बल्ब, 0 वाट का बल्ब, 15 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, जो भी आपको लगता है ठीक, वो ज़रूर लगाएं। क्योंकि अभी ये बेबी बच्चा है और बेबी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये है, और ये से खाना है, देखो अपने खाने की तरफ कैसे बढ़ेगा, खा नहीं पाएगा, ये ले खा ले, नहीं खा पाएगा, है ना। तो भाई ये ऐसे ही होता है, तो ये ऐसे ही होता है। अब ये करेगा थोड़ी, देखो अब मैं इसमें भिगो के इसे खिलाता हूँ, ये देखो है, आ जा मिट्ठू खाओ, ऐसे खाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं खिलाऊंगा, इसको चम्मच से खिलाऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप बेबी बच्चे को कैसे खिलाएं। आप बहुत से लोग हैं ना, बहुत छोटा चिक बेबी लेके आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई इसको क्या से खिलाएं, क्या खिलाएं, कैसे रखना है, सर्दी कैसे लग जाए, सर्दी से कैसे बचाएं, और गर्मियों में कैसे रखें, और खाने में क्या दें। तो सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया चने की दाल है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप कई बार हैंड फीडिंग फार्मूला भी ले आते हो मार्केट में, जैसे हैंड फीडिंग फार्मूला है, छोटे छोटे बच्चों को आप वो खिला देते हो हैंड फीडिंग फार्मूला, तो उसमें क्या है, सबसे बड़ी, देखो अभी अपनी चम्मच की तरफ आ गया, ये अपनी चम्मच की तरफ आ गया। तो सबसे बड़ी बात यह है, उस हैंड फीडिंग फार्मूला से जो छोटे बच्चे होते हैं, हम क्या करते हैं उसको है ना, थोड़ा गाढ़ा बना के दे देते हैं, वो क्या है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप हैंड फीडिंग फार्मूला भी अपने बेबी चिक को, बेबी पैरेट को दे रहे हो, तो वो भी इस तरीके से देना है कि बिल्कुल पतला करके, जिससे कि वो नॉर्मल डाइजेस्ट कर ले पानी के साथ। तो देखो हमारे हमारे जो मिट्ठू की है ना निगाहें इस टाइम इस चम्मच पे हैं, क्योंकि ये चम्मच है ना हमारे मिट्ठू को, इसको ऐसा लगता है जैसे ये इसकी मम्मी है, ये चम्मच इसकी मम्मी है। तो इसको लगता है कि ये चम्मच से ही मुझे खाना मिलेगा, बल्कि इसमें कुछ नहीं है, देखो इसमें कुछ नहीं है। तो इसको लगता है कि इस चम्मच से मुझे खाना मिलेगा। तो आ जा, देखो इसे को यहाँ बुलाता हूँ, आ मिट्ठू इधर आओ, इधर आओ, पलट देगा इसे, आ जाओ आओ लो, ये देखो इसे लगता है कि इस चम्मच में ही सब कुछ है। अब मैं इसे देखो, ये कितना पतला मैंने बनाया हुआ है ना, अब इतना पतला, लो मिट्ठू खाओ। और बिल्कुल गुनगुना है ये, मतलब ठंडा नहीं खिलाना बिल्कुल भी। सबसे पहली बात, अगर आप है ना ठंडा खिलाओगे तो ठंडा खाने से क्या होगा कि ठंडा खाने से ये पड़ जाएगा भाई बीमार। और अगर एक बार बेबी चिक बीमार हो जाता है तो उसको रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है। और बहुत ही लक्की पर्सन ऐसे होते हैं जिनका बेबी चिक
रिकवर हो जाता है, लेकिन मोस्टली का बेबी चिक रिकवर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहली बात, कुछ भी खिलाएं आप, सत्तू तो बिल्कुल भी मत खिलाना। आप अगर चने की दाल खिला रहे हो, ठीक है, हैंड फीडिंग फॉर्मूला खिला रहे हो, तो कोशिश करना कि वो गुनगुने पानी में हो, जिससे कि बेबी चिक को ठंड ना लगे, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप जब आप खिलाते रहोगे तो आपको आपका बेबी पैरट ग्रोथ करता हुआ भी दिखाई देगा। और जब उसकी ग्रोथिंग अच्छी होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा बेबी पैरट अच्छे से खाना डाइजेस्ट कर लेता है। तो मैं इसको 8 से 10 चम्मच, क्योंकि अभी सुबह के करीब 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बजे मैंने इसे फीड करानी शुरू कर दिया, सुबह के 6 बजे मैं इसे खिला रहा हूँ, क्योंकि अब जो मैं खिलाऊंगा ना, वो इसका लगभग शाम को 5-6 बजे तक बढ़िया चल जाएगा। तो 5-6 बजे तक इसको फिर फीड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि इसका नॉर्मल दिन आराम से कट जाएगा। तो भाई ये है, और इसकी और अगर आप अपने बेबी चिक से बातें करना चाहते हो, उसको बोलो, उसके पास जाओ, लेकिन बार बार उसका बॉक्स मत खोलना, उससे बॉक्स से ही बाहर से बोलो, उसका जो भी आप नाम रख रहे हो उस नाम से उसे रोज रेगुलर उसे क्या नाम उसका बोलो उसके सामने, तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरा नाम है, ये मेरे से बात करना चाह रहे हैं, तो ऐसे ही वो आपसे फिर जवाब देने लगेगा। देखो जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, मिट्टू, देखो बोला ना अभी, लेकिन ये खाना मांग रहा है, लेकिन वैसे मैं मिट्टू की आवाज़ बोलता हूँ तो ये बिल्कुल बोलता है, मिट्टू खाना खाओगे। भाई मिट्टू अभी खाना ही खाएगा, मिट्टू को कुछ और नहीं चाहिए, ये देखो। और साथ के साथ इसका मुंह भी भाई पूछते रहना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि चने की दाल सबसे बेस्ट है, और अब भी बता रहा हूँ चने की दाल सबसे बेस्ट है बेबी चिक के लिए। मिट्टू खाइए। तो हमारे मिट्टू ने लगभग खाना फिनिश कर दिया है, और ये मना नहीं करेगा, सबसे पहली बात ये खाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। देखो अब इसका जो पेट है ना, वो पूरा भर चुका है, बल्कि आज थोड़ा सा ज़्यादा ही खिला दिया इसको वीडियो बनाने के चक्कर में ना, तो अब इसको नहीं खिलाएंगे, क्योंकि फिर इसको क्या है, सांस वगैरह भी नहीं आएगा, और ये ज़्यादा खिलाने से ना क्या होता है, आप खुद भी ज़्यादा खा लोगे, या किसी पक्षी पशु को भी ज़्यादा खिला दोगे ना, तो सबसे बड़ी बात भाई ये आएगी कि उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। और इनका क्या होता है, इनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और जो खाना होता है ना, इनकी नाक की नली में चला जाता है, जिसकी वजह से भी ये बीमार पड़ जाते हैं। तो हमें ये गलतियां तो बिल्कुल भी नहीं करनी। मिट्टू खड़ा बेटे, खड़ाओ, ये देखो आज मिट्टू ने मजे में ना अच्छा खाना खा लिया है, बढ़िया। तो वैसे मैंने ज़्यादा खिला दिया है, लेकिन ज़्यादा नहीं खिलाना, लेकिन ये चल जाएगा, क्योंकि अभी पूरा दिन है, मॉर्निंग हुई है, तो ये शाम को 3-4 बजे तक 5 बजे तक 6 बजे तक भी आराम से डाइजेस्ट कर लेगा। तो गाइस हमने फीडिंग करा दी है अपने बेबी पैरट को, और वीडियो भी आपने देख ली होगी, कैसी लगी आपको वीडियो बिल्कुल बताना, ये नॉलेज आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी बिल्कुल आप मेरे को बिल्कुल कन्फर्म करना। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बेबी चिक से रिलेटेड, जो पहली बार पाल रहा है, या किसी के बेबी चिक को कोई दिक्कत परेशानी हो गई है, या वो खाना नहीं खा रहा, या उसके दस्त हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मेरे को मैसेज करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको बिल्कुल दूंगा, आपको बिल्कुल आपके बेबी चिक को दोबारा से स्वस्थ करने के लिए आपको टिप्स पूरी दूंगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप बताना, देखो ऊपर चढ़ रहा है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आपको बताना, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर बहुत ज़्यादा करें, जिसको जिसने भी बेबी चिक्स पाले हुए हैं उसको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें। तो देखो भाई इसके पंजे बहुत लग रहे हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय श्री श्याम, जय श्री राम, राम राम, मिलते हैं, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।